सबसे ज्यादा ना मेरे को ये मूर्ति काफी ज्यादा यूनिक लग रहा है। एक ये जो यहाँ पास अवेलेबल है, छोटी छोटी मूर्तियां भी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। होपफुली काफ़ी अच्छे होंगे। और आप लोग का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भाई आप फिर से औंधी जाओ और मूर्तिकार गिरधर भैया जी के पास जाओ और वहाँ पर कितना काम हो चुका है और कलर स्टार्ट हुआ है कि नहीं, वो वहाँ जाके वीडियो शूट करो। तो मैं आ चुका हूँ अभी मूर्तिकार गिरधर भैया जी के पास। तो यहाँ पर भाई अब बात किया जाए सबसे पहले तो भाई भिलाई और दुर्ग में सबसे बड़ी मूर्ति भाई इन्हीं भैया ही लोग बना रहे हैं। अभी तक थनों में भी बन रही है, बट सबसे बड़ी बड़ी जो बात करूँ मूर्ति की तो भैया के पास बन रही है। तो चले चलते हैं अंदर और सभी अभी कितना काम स्टार्ट हो चुका है मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। तो यह मूर्तिकार भैया गिरधर भैया जी का वर्कशॉप, जो कि यहाँ पास पहले तो उस समय जब फर्स्ट वीडियो बनाने आया था तो उस समय तो ये दोनों नहीं थे। उस समय क्या बड़ी बड़ी जो सामने दो मूर्ति है वो नहीं बन रही थी, इसको सामने से और बढ़ाया गया है। और बात करूँ दोस्तों यहाँ ऑर्डर की तो देखो ऑर्डर मैंने क्या है, अभी इस साल तो जो गणेश तो और दुर्गा की तो भाई अप्रैल से ही बंद हो चुका था ऑर्डर लेना। और दुर्गा माता जी के बारे में चलो बात करते हैं अंदर में, बाकी दुर्गा माता जी के बारे में कॉन्टेक्ट करना है तो ये कॉन्टेक्ट नंबर ये है। तो चलिए अंदर चल के दिखाते हैं अभी कितना काम स्टार्ट हो चुका है। बाकी तो सामने ही एंट्री में ही दो दो गणेश जी जो है, काफ़ी भव्य गणेश जी। ये देखो भाई मेरा हाइट इतने तक आ रहा है तो गणेश जी देखो कितने ऊपर है, लगभग इनकी हाइट 16-17 फीट तो होगी होगी। देखो अभी भी जो और ये काम जो है, अभी काम देखो काफ़ी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है काम। वाइट कलर अभी बचा हुआ है, फिर फिनिशिंग देना है, गहना वहना लगना है, तो काम अभी भाई बचे हुए हैं इसमें। और ये मूर्ति जाएगी चरोदा में। चलिए तो भाई ये देखो ये गणेश जी काफ़ी लग रहे हैं भाई प्यारे, और हाइटेड में हैवी, क्योंकि उसको इसलिए बाहर ले गए क्योंकि उसको ले जाने में दिक्कत ना हो। तो क्रेन में आती है भाई इसको ले जाने में बड़ी मूर्ति। और ये और एक वो, चलिए तो वो मूर्ति देखो भाई जो है बाल रूप में जो है गणेश जी को बनाया गया है। जो इनका फ़ोटो होगा, मैं फ़ोटो अगर होगा तो फ़ोटो दिखाऊँगा, बाकी जो गणेश जी का है बाल रूप में बनाया गया। और ये मूर्ति रायपुर जाएगी और इनकी हाइट है लगभग, इनकी हाइट 16-17 फीट की। मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, मैं लगभग मैं 5.5-6 फीट या इतना फीट का हूँ और इतना ऊपर का है, तो समझ लो भाई इसका तो हाइट 16 कितना फीट का होगा भैया। ये मूर्ति 16-17 फीट का होगा, क्यों ये लग 16-17 फीट ना, हाँ 18 फीट तो अनुमान में जो लगा था वो सही है, 18 फीट की मूर्ति है ये। और यहाँ पर जो है लगभग जो कलर का काम है वो चल रहा है, क्योंकि ना गणेश पूजा से मतलब 7 सितंबर है तो और उससे पहले पहले जो बहुत सारे समिति आ जाते लेने के लिए, तो इसीलिए जो कलर का काम स्टार्ट कर दिए। ये देखो भाई काफ़ी प्यारा लग रहा है गणेश जी। अगल बगल जो है रिद्धि सिद्धि माता और पीछे बैकग्राउंड में ना काफ़ी ज़्यादा इसमें वर्क किया गया। चलिए अब इधर से मैं दिखा देता हूँ, इधर तो यार बॉर्डर लगा हुआ है, पहले इधर का दिखा देता हूँ आपको। ये मूर्ति भाई सबसे ज़्यादा यूनिक है इस साल की। थनौद में भी देखा जाए तो थनौद दुर्ग में सबसे ज़्यादा यूनिक यही मूर्ति है, क्योंकि मैं इस ये मूर्ति मतलब फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये मूर्ति बनते हुए। ये पीछे पूरा हाथी का शेप है और सामने पूरा गणेश जी का है, जब कलर होगा ना भाई ये देखने लायक होगा ये मूर्ति। चलिए तो इधर से और दूसरी मूर्ति दिखाता हूँ आपको। तो इनका जो चेहरा है देखो 5 हो गए और इनका भी फ़ोटो सब है बट इधर उधर दिख नहीं रहा है, अभी सब कलर होगा ना इधर इसलिए सब भीड़े हुए हैं, सब फ़ोटो कहाँ है पता ही नहीं। तो ये देखो ये मूर्ति काफ़ी प्यारी लग रही है और ये कृष्ण जी रूप में जो है गणेश जी को बनाया गया है। बाकी यहाँ पर जो है सिंगार उंगार का काम है ना वो चल रहे हैं, दीदी लोग कर रहे हैं सिंगार उंगार का काम पूरे। ये सब जो साँचे हैं ना ये सब साँचे ऊँची से पूरा सिंगार को सेप दिया जाता है। जैसे देखो ये काफ़ी हट्टे कट्टे लग रहे गणेश जी और हनुमान जी ऊपर में। बाकी तो इधर जो है पूरा फिनिशिंग वाला काम पूरा हो चुका है, बस अभी जो है देना है तो कलर बचा हुआ। बाकी तो देख रहे हो पीछे बैकग्राउंड में कलर स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर से बाल गणेश जी
ये भी काफी प्यारे लग रहे, सिंपल से गणेश जी। यहाँ पर देखो कृष्ण जन्माष्टमी के लिए भी जो है मूर्ति बन के रेडी हो चुके हैं, बस बचा हुआ है तो कलर बचा हुआ है। ये देखो यहाँ पर भी जो है ना फिनिशिंग का काम चल रहा है, और यहाँ पर तो अभी ये जो गणेश जी भाई अभी अभी जस्ट बन रहे भाई, अभी बहुत काम बचे हुए इसमें, पूरे सोए हुए हैं गणेश जी, अभी पूरा चेहरा वगैरह लगाना बचा हुआ है। चलिए तो भाई लाइट भी आ चुका है, अभी ना लाइट ऑफ था तो लाइट ऑफ करने के अभी क्लियर आपको दिखने होगा, चलो तो अब क्लियर दिखेगा। बाकी ये जो गणेश जी की बात करता भाई काफ़ी यूनिक लग रहे वाले गणेश जी, पीछे जो है पूरा भाई नाग देवता है और सामने है गणेश जी। इस टाइप के एक और गणेश जी बने गए हैं, मैं वो दिखाता हूँ, पर ये देखो ये भी काफ़ी खतरनाक लग रहा है भाई, ये सांप जो है। तो देखो यही प्रॉब्लम है कि भाई बरसात के बाद ना भाई सुखा नहीं पाते मूर्तिकार, तो इस तरह से जो फायर के थ्रू मूर्तिकार को जो मूर्तिकार है सुखाते हैं मूर्ति को। और ये है सबसे यूनिक मूर्ति भाई, पूरा इसमें ना लकड़ी का पूरा शेप से पूरा लकड़ी का शेप से बनाया गया मूर्ति को। मैं आपको पास से भी दिखा दूँ, तो ये देखो जो लकड़ी का जो ऊपर का जो परत आता है वो लगाया गया मूर्तियों में, जब कलर होगा तो ये काफ़ी यूनिक लगेगा ये वाला मूर्ति। और ऊपर में भी पूरा लकड़ी का पूरा लकड़ी लगाया गया, पेड़ उड़ भी नहीं है, पूरा लकड़ी लगाया इसमें है भाई मूर्ति में, एकदम है एक नंबर लग रहा है मूर्ति। बाकी तो इधर पर जितने भी है सभी जो है ना कलर काम स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको जितने भी अभी मूर्ति बच चुके हैं आपको धूमाल म्यूजिक के साथ आपको गणेश जी दिखा दूँगा। ज़्यादा ना मेरे को ये मूर्ति काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है, एक ये और एक वो जो लकड़ी वाला जो बना हुआ है ना, एक दो मूर्ति ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी है। और ये जो सांप वाला जो खतरनाक जो लुक दिया गया है, एक तो और उससे ज़्यादा मेरे को एक नंबर लग रहा है। बाकी एक तो जो हाथी वाला है, हाथी जो फेस वाला है, वो तीन मूर्ति है मेरे को बेस्ट लगी यहाँ की। और यहाँ पर जो है अभी तो मूर्ति भी बस बनाया जा रहा है, अब इसको भी 3-4 दिन में लगभग रेडी करनी है, मतलब रेडी मतलब वाइट जो कलर होता है वो उस तक करवाना है, ये 1 तारीख तक। और यहाँ पर देखो कृष्ण जी भी जो कि ये भी 26 तारीख को जन्माष्टमी है, तो लगभग ये भी रेडी हो गए, बस कलर वलर करना बचा हुआ है। और यहाँ पर जो है छोटी छोटी, आप लोग का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आता है कि छोटी छोटी मूर्ति गिरधर भैया के पास है कि नहीं, तो देख सकते हो जो यहाँ पर अवेलेबल है छोटी छोटी मूर्तियाँ भी, तो लगभग देखो यहाँ पर है जो घर बैठाने लायक वो भी जी के पास अवेलेबल है मूर्ति यहाँ पर। और बाकी यहाँ पर जो है मूसक राज का जो है स्ट्रक्चर तैयार होके रेडी है, बाकी मट्टी वाला लेयर वो दो में लग चुका है। और यहाँ पर भी जो है एक तो गणेश जी है चांद में बैठे हुए, बाकी इधर पर तो कुछ अच्छा, यहाँ पर भी जितने भी पूरे सभी मूसक राज है। तो ये है भैया जी के पास अभी लगभग काम, अभी प्रोसेसिंग में बोल सकते हो लगभग ना
यहाँ पर मैं बता दूँ तो कलर का काम है वो इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि एक तारीख या दो तारीख से यहाँ की मूर्ति जो है जाना स्टार्ट हो जाएगी। जब एक दो तारीख को जब पूरे मूर्ति ओके हो जाएंगे तो एक बार फिर आऊँगा और यहाँ का मैं शूट करूँगा। तो कैसे लगे वीडियो, कैसे लगा दोस्तों यहाँ की मूर्ति, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आई होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फुल धमाके से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।